यार यहाँ सीन देखो, हम लोग हॉस्पिटल के लिए निकले, हमारा जो है वो चेकअप है 9 बजे के करीब था और 10 बजे रहे, एसी पेट्रोल डलवाने खड़े हुए, 5,000 का पेट्रोल डलवाया और पंप वालों को कह रहे हियर यू गो। मैं अरे उनका जब एटीएम मशीन रिटर्न की है तो मैंने बोला हियर यू गो। मुनीर क्या कह रहे हो भाई, कंपटीशन नहीं था ना सामने इन्हों का, कह दो। हां मैं ये बोल देता ले ले। नहीं मतलब एसी क्या था ये हियर यू गो, अब एक और कट्टा इन्होंने बोला नीचे तो जा रहे हैं, और कमाल की बात की नीचे रास्ता ही नहीं है, सिर्फ बाइक का रास्ता। गुड वन एजी, मुझे नहीं पता एजी गुड वन नहीं, रास्ता तो है। हाँ है, है, है। बाइक पे मैं बहुत मैसेज आया तेरे पास एटीपी का। अच्छा जी, नाता खान गुड़ जो है वो टोटल पैकेट, और हम जो है वो नीचे से जा रहे हैं क्योंकि हमें जो है वो NIBD जाना है चेकअप के लिए, और मुनीब मेरे साथ है, एजी जो है वो मेरे साथ है, हेर यू गो मेरे साथ है। आप सबने इंग्लिश में इनके लिए कमेंट लिखना है, मेरा बर्गर मामू है। शदीद गर्मी, हीट स्ट्रोक बाहर, और हमारा पुलिस अहलकार जो है वो अपनी खिदमत जो है वो सर अंजाम देता हुआ। यदि इस बारे में क्या राय है, इतनी गर्मी में पुलिस वाले खड़े होते हैं, इनकी ड्यूटी है बिल्कुल, इनको इसकी पैसे मिलते हैं बिल्कुल, लेकिन जितने पैसे मिलने चाहिए उतने पैसे गवर्नमेंट देती नहीं, जितने पैसे मिलने चाहिए उतने पैसे गवर्नमेंट, इसी वजह से जो है वो हमारे यहाँ करप्शन बहुत, करप्शन खत्म नहीं होता। हम पुलिस पे तनकीद करते हैं, इनकी मजबूरियां नहीं देखते हैं, और हम में से कोई पुलिस वाला नहीं है, पहले ये क्लियर कर दूं। गेट कौन सा खुला हुआ है? जी ये मुनीब वाला गेट दोबारा। जरा बच्चों की तो छुट्टी समझो, मैं वहाँ रिया और गोमिन हम बाहर निकले हैं और हम खुद गाड़ी चला रहे हैं, हम बाजार वाली रोड पे घूम रहे हैं। अजय जी अस्सलाम वालेकुम, हम जो है वो निकल रहे हैं टेस्ट कराने के लिए कुछ। अच्छा टेस्ट कौन से? एक जो है वो बोन मैरो का टेस्ट है, उसमें क्या होता है कि रीढ़ की हड्डी के अंदर इंजेक्शन छोटा है, और फिर उसके बाद एक जो है वो ब्लड कैंसर रिपोर्ट है, एक पता नहीं क्या है क्या है, तो वो हम जा रहे हैं कराने के लिए। एजी मेरे साथ हैं, मुनीब मेरे साथ हैं और मैं भी साथ हूँ। आज मैं खुद ड्राइव कर रहा हूँ क्योंकि वापसी में मैं नहीं कर पाऊंगा। जैसी गाड़ी में बैठे, मतलब ये तो अभी बहुत जबरदस्त कलाम लगा दिया इसी ने, इससे पहले जो लगा वो पता नहीं क्या लगा हुआ था। खैर अपना ढेर सारा ख्याल रखें, आपको बताते हैं आगे क्या होगा। अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम, ये 10 एस सिद्दीकी बॉस, और अब जो है वो पता नहीं कौन से टेस्ट हो रहे हैं, ये किस चीज का टेस्ट है भाई? सर एक बोन मैरो DRT5 है। ठीक है, बोन मैरो। इसमें सबसे तकलीफ दे टेस्ट कौन सा? सर तकलीफ दे तो बोन मैरो DRT5 है। ठीक है, मसला नहीं है, सुन करके होता है, कूले की हड्डी से होता ही है। हाँ। इसमें आपको थोड़ा सा बोन मैरो लिया जाता है, लेकिन कूले की हड्डी तो हो नहीं सकता, मेरा तो ऑपरेशन हुआ वहाँ का। सही है, वो आपने डॉक्टर को दिखाया होगा। हाँ। डॉक्टर उसने ओपिनियन लिया होगा। ओके ठीक हो, चलो स्टार्ट करो। अच्छा जी वैक्यू ट्रेनर जो है वो हमारे पास मौजूद है भाई, असर वैक्यू ट्रेनर हमारे पास मौजूद है क्योंकि मेरे बहुत सारे सैंपल निकालने भाई ने बताया, तो इसके थ्रू निकालेंगे, बस ये हो गया काम। और ये गोश में हाँ अब हुआ वेन में, तो ये तजर्बों के सौदे हैं, इतना बीमार पड़ पड़ के हमने सीखा। थैंक यू। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस वक्त मैं फ्रैंकफर्ट जर्मनी में हूँ, और मुझे कुछ दिनों पहले से पता है, और आज मुझे मैसेज भी आया हमारे सिद्दीकी भाई का, इनको सिद्दीकी बॉस कहा जाता है, हमारे अच्छे भाई हैं, और उनकी बीमारी का पता चला, काफ़ी तकलीफ़ में हैं, अल्लाह उनको शिफा दे, सेहत दे, आफियत दे। एक बुलंद इबारत पर मैं मौजूद हूँ, और मैं ये सोच रहा था कि इंसान की ज़िंदगी में कभी उरूज आता है, कभी जवाल आता है, सेहत के बाद कभी कभी बीमारी भी आती है, राहत के बाद कभी कभी आजमाइश भी आती है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह हमें आफतों से, आजमाइशों से, जवाल नेमत से बचाए, लेकिन हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना है। राहत मिले तो शुक्र अदा करना है, और तकलीफ़ मिले तो सब्र करना है, ना शुक्री नहीं करनी, बेसब्री नहीं करनी। सिद्दीकी भाई को भी मैं कहूँगा कि अल्लाह उनको सब्र दे, आप भी सब्र का मुजाहरा करें। लेकिन ये जो बीमारियाँ हैं, ये जो तकलीफ़ें हैं, ये हम सबको बताती हैं कि हमारी औकात क्या है। मैं चूँकि सिद्दीकी भाई हो सकता है इस वीडियो को कहीं शेयर करें, तो सोशल मीडिया पर भी जो लोग काम करते हैं या अपने वीडियोज़ बनाते हैं, प्लीज़ ये देखिएगा कि हमारी ये वीडियोज़, हमारे ये क्लिप्स हमारे लिए सवाब का बाइस हैं, अल्लाह की तरफ से नाराज़गी का बाइस है। प्लीज़ ऐसा काम करें कि रब हमसे राज़ी रहे। हम सब ने दुनिया से जाना है,
तो जाने से पहले ऐसे काम कर जाएं जो मरने के बाद भी कब्र में सवाब के तोहफे मिलते हैं। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सुबह बखैर जिंदगी। और कल टेस्ट कराया था तो हालत थोड़ी ख़राब थी, इसलिए कोई वीडियो नहीं। एजी बैठे हैं, वहाब आया हुआ है और ये जो है ये नाश्ते का इंतज़ाम किया इन्होंने इन दो लोगों ने। हालांकि होस्ट मैं हूँ लेकिन तो भी चलता है।